के बाद प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। ऐसा भागवत का नियम है कि किसी स्कंद को पढ़ने से पूर्व उसके मंगलाचरण का पाठ करते हैं। इसके मंगलाचरण का सर्वप्रथम पाठ करते हैं। जन्मादस्य यतोन्वयादि तरता साध्वे विज्ञस्वरा तेने बंबहिर्दाचयादि कवये मुयंति यसूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत् सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं
सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोज्जितवैकवोत्र परमो निर्मसराणां सतां वेद्यं पवेद्यं पास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिक्रते किंवा परईश्वरः सद्योरद्यवरुद्धे तत्र कृतिभिः शुश्रुभीतक्षणा सो प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है। प्रथम स्कंद में जो मंगलाचरण है, सो मैंने आपसे कल निवेदन किया कि मंगल मतलब कल्याण, और जो सबसे बड़ा कल्याण है वो ये है कि जीवन की किसी भी विधि से, तरीके से, कर्म से, उपासना से, साधना से मैं ईश्वर से जुड़ जाऊं। मतलब ईश्वर से जुड़ना, इससे बड़ा कोई मंगलकारी कार्य नहीं हो सकता। इस मंगलाचरण को आपसे निवेदन करू, विद्वान लोग एक एक महीने इस एक और दो श्लोक को, वेदांत के जो गूढ़ रहस्य हैं उसका प्रतिपादन करते हैं। अब जो वेदांत के जानने वाले हैं वो थोड़ा समझें, जो सबसे आखिरी लाइन है वो बोलते हैं सत्यम परम धीमहि। आप बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, आगे धीमहि। देखो जी, धीमहि मतलब मैं ध्यान करता हूं, मैं अपनी बुद्धि से ध्यान करता हूं। बोले किसका ध्यान करते हैं? बोले मैं सत्य का ध्यान नहीं करता, मैं परम सत्य का ध्यान करता हूं। परम सत्यम धीमहि। आप ध्यान दें तो कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, राम को प्रणाम नहीं किया, किसी को प्रणाम नहीं किया। प्रणाम किया है तो सत्य को प्रणाम किया है। यदि कोई साधक होगा उसके मन में ये पहला प्रश्न उदित होता है, सत्य मतलब क्या, सत्य को परिभाषित कैसे करेंगे? तो विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी कि जिसके पास सत्ता है वो सत्य है, है ना, जिसके पास सत्ता है वो सत्य है। बोले सत्ता है मतलब क्या? बोले घड़ी दिखाई देती है, बोले घड़ी की सत्ता है। किताब दिखाई देती है क्योंकि किताब की सत्ता है। लेकिन मैं अपने मन में कोई चीज सोचूं कमल, तो मन में सोचे हुए कमल की कोई सत्ता नहीं है, लेकिन किताब की सत्ता है। बोले जिसकी सत्ता है वो सत्य है। दूसरे साधक ने तुरंत एक प्रश्न किया, ये तो ठीक है, लेकिन जिस चीज की सत्ता है वो सत्ता भी गायब हो जाती है। ओहो, बोले ये जगत की सत्ता है तो जगत का भी लय हो जाता है, शरीर की सत्ता है तो शरीर का भी लय हो जाता है, अंतःकरण की सत्ता है तो अंतःकरण का भी लय हो जाता है, तो फिर सत्ता मतलब क्या? बोले जिसकी सत्ता है उसको तो सत्य कहते हैं, लेकिन एक ऐसी सत्ता जिसका बाद नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं परम सत्यम। एक हो गया सत्यम, एक हो गया परम सत्यम। यहां क्या बोला गया? सत्यम परम धीमहि। मैं एक ऐसे सत का ध्यान करता हूं
जिसकी सत्ता अबाधित है, अबाधित है मतलब जो देश में बाधित नहीं है, जो काल में बाधित नहीं है, जो वस्तु में बाधित नहीं है, सब दूर है, सब वस्तु में है, सब जगह है, सब समय है, जिसका बाध नहीं किया जा सकता, उस सत्ता का मैं ध्यान करता हूं। जिन्होंने ब्रह्म सूत्र पढ़ा हो, ब्रह्म सूत्र का पहला ही सूत्र है अता तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। आप यहां भी देखना, जो ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है वो भागवत का पहला मंगलाचरण है। पहला क्या है? जन्मादस्य यतः। जो ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है वो भागवत का पहला मंगलाचरण है। उसको सरल भाषा में समझें, जहां से ये जगत जन्मा है, जहां से ये जगत जन्मा है वह सत्य है। जगत सत्य नहीं है। घड़े का जन्म कहां से हुआ बोलो जी? तो घड़े का जन्म मिट्टी से हुआ। घड़ा फूट गया उसके बाद भी मिट्टी है, घड़ा है तब भी मिट्टी है, घड़ा नहीं था तब भी मिट्टी है। जगत था तब भी वो था, जगत है तब भी वो है, और जगत नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा। बोले जो जगत के पहले है, जो जगत का कारण है, वह परम सत्य है। जन्मादस्य यतः। बोले वो सत्य दिखे कैसे? बोले अन्वयात्। उसी सत्य की सत्ता का अन्वय हुआ है हर चीज में। यह है, वह है, पुरुष है, स्त्री है, ये जो है पना गई है। बोले वो किसके कारण है? वो उसी परम सत्य के कारण है। उसी परम सत्य ने तेने ब्रह्म हृदाचवादि कवये। उसी ब्रह्म ने वेद व्यास जी के मन में इस भागवत का स्फुरण कर दिया। देखो जी, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म जो जगत का कारण है, स्वयं अकारण है, उसी ब्रह्म ने, उसी परम सत्य ने आदि कवि के मन में महाभागवत का स्फुरण कर दिया। बोले वह सत्य माया से भी दूर है। देखो जी, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। वो सत्य माया की पकड़ में आने वाला नहीं है। ऐसे परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं। बोले तो बहुत कठिन है। आप दो बात समझो, इंग्लिश में बोलते हैं एक कॉज है और एक इफेक्ट, एक कार्य है और एक कारण है। जो कार्य है वो मरने वाला होगा, जो कारण होगा वो सदैव रहेगा। बोले कार्य किसको कहेंगे? जो पहले नहीं था। घट पहले नहीं था इसलिए घट कार्य है। शरीर पहले नहीं था इसलिए शरीर कार्य है। जगत पहले नहीं था इसलिए जगत कार्य है। लेकिन इन सब के न रहने पर भी जो था उसको बोलते हैं परम सत्य, और उसी को बोलते हैं ब्रह्म, उसी को बोलते हैं कृष्ण, उसी को बोलते हैं आत्मा। किसी संदर्भ की कोई अपेक्षा नहीं। थोड़ा इंग्लिश समझने वाले जो लोग हों देखें, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रियलिटी, जो चीज रिलेटिव है, किसी की तुलना में है, वो चीज सत्य नहीं हो सकती। लेकिन जिस चीज को किसी चीज की अपेक्षा नहीं है,
तो जगत की भी अपेक्षा नहीं है। जब जगत नहीं था तब भी वो था, जगत जिसमें लय हो गया वो जो था। बोले मैं उस परम सत्य का क्या करता हूं, ध्यान करता हूं। और यहां से कथा प्रारंभ होती है। बोलते हैं नैमिषारण्य के क्षेत्र में, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। इस प्रथम स्कंध में आधे से जो भागवतकार हैं वो इस प्रथम स्कंध को बड़ी जल्दी समेट देते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, विनय निवेदन करूं कि जो भागवत के 13 महाभागवत हैं, 13 महाभागवत भक्तों को कहा गया, उनमें से आधों की कथा, 9 लोगों की कथा इस प्रथम स्कंध में ही है। बोले आपने क्या बोल दिया, 13 महाभागवत? हाँ। बोले 13 भागवत इस प्रथम स्कंध में है। ध्यान रखना, भागवत मतलब जिसने अपने आप को खत्म कर लिया, जो भगवान का हो गया उसको क्या बोला था, भागवत। जो ये नहीं समझता है कि मैं कुछ हूं, इसलिए मैंने कल आपसे बोला जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं। वह साधक जिसने अपने अस्तित्व को तिरोभूत कर दिया, समाप्त कर दिया, जिसकी स्वयं की कोई सत्ता नहीं रह गई, उसको बोलते हैं भागवत। तो बोले 13 भागवतों की चर्चा इस प्रथम स्कंद में है। बोले पहले 5 भागवत तो पांडव हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, ये 5 पांडव। इसके बाद बोलते हैं इनके कुल के सबसे बड़े भीष्म पितामह, वो भी कैसे हैं, भागवत हैं। 7वें विदुर भगवान, ये विदुर जी को भी क्या कहा गया, ये भागवत हैं। ध्यान रखना, शरीर छोड़ने को भागवत नहीं कहा गया, जिसने अपनी सत्ता को ही तिरोभूत कर दिया वो भागवत है। तो 5 पांडव, भीष्म, विदुर, यहां तक कि आप पढ़ेंगे तो धृतराष्ट्र भी भगवान में ही क्या हो गए, लीन हो गए। तो धृतराष्ट्र को भी क्या बोला गया, भागवत। और सबसे बड़े भागवत बोले परीक्षित जी। कितने हो गए, कितने गिने आपने, 5 पांडव, 1 भीष्म पितामह, 6ठे, 7वें विदुर, 8वें धृतराष्ट्र, 9वें परीक्षित, और बोलते हैं 10वीं है उत्तरा। उत्तरा को भी भागवत माना गया। 11वीं द्रौपदी, द्रौपदी को भी भागवत माना गया। और 12वीं है गांधारी, और 13वीं है कुंती। देखो ये 4 स्त्रियां आई, तो 9 वो हो गए, 4 ये हो गए, 13 भागवत। और आपको 2 छिपे भागवत बताऊं जिनकी चर्चा नहीं आई, वो हैं सुभद्रा जी और विदुराणी, ये भी भागवत हुए। भगवान की जो बहन है तो वो तो भागवत होगी होगी, और विदुर की जो पत्नी थी वो विदुराणी, वो भी भागवत मानी गई। लेकिन 13 भागवतों की चर्चा आती है, जिसमें 9 भागवतों की चर्चा इस प्रथम स्कंद में है। तो नैमिषारण्य के क्षेत्र में शूत और शौनक जी बैठे हैं और वहां पर प्रश्न करते हैं। देखो जी, शौनक जी प्रश्न करते हैं सूत जी से, तत्र तत्रान्यसामुष्मन् भवतायद् विनिश्चितम् पुंसामेकान्तताश्रेयः तन्ना संशितुमर्हसि। बोले एक बात बताइए, मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए? बहुत गंभीर प्रश्न है,
और सरल भी है। लोग कहते हैं ज्ञान लो, भक्ति लो, वैराग्य लो, क्या करूं? मनुष्य का कल्याण किस में है, क्या करना चाहिए मनुष्य को? इसलिए प्रश्न देखना, पुंसाम एकांततः श्रेयः, मनुष्य का कल्याण किस में है? सूत जी और शौनक जी के बीच ये संवाद हो रहा है। सूत जी बोलते हैं बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, और ये उत्तर मैं आपसे निवेदन करूं, इतना हार्ट टचिंग आंसर है, हम लोगों के कॉमन लाइफ से मिलता हुआ। शुरुआत यहां से होती है, बोलते हैं मनुष्य शरीर मिला है तो मनुष्य के मन में कुछ इच्छाएं भी हैं। मनुष्य को उन कोई इच्छाओं को क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। बोले इच्छाएं तो बहुत सारी हैं, कितनी पूरी करें? बोले इन इच्छाओं को चार भाग में बांट दिया गया, उनको बोलते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। देखो जी, बोले मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए, अर्थ मतलब इच्छा, ये मनुष्य की चार इच्छाएं हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो पहला बोला गया धर्म मतलब क्या, एक सरल आपको शब्दों में बोलूं, धर्म मतलब कर्म। धर्म बोलते हैं इनका जीवन धार्मिक है, धार्मिक है मतलब बोले इनके जीवन में सदाचार है, ये सत्कर्म करते हैं, तो जीवन में कर्म करना चाहिए। देखो जी, अकर्मी बनने की जरूरत नहीं है, अकर्मी बनने से कुछ नहीं मिलेगा, तो मनुष्य को सबसे पहले कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। लेकिन लेकिन आखिर कर्म का प्रयोजन क्या होवे, ये सोचने का विषय। कर्म करने का उद्देश्य क्या होवे? अच्छा आप भी सोचो, हम और आप अभी जो कर्म करते हैं उस कर्म करने का उद्देश्य क्या है? अपने अपने मन में जरा सोच के रखना। मैं आपसे निवेदन करूं, एक साधारण मनुष्य कर्म इसलिए करता है मेरे जीवन की परिस्थिति अच्छी बनी रहे। देखो जी, ये जो उलट पुलट हो रही है, ये जीवन में जो सफलता असफलता, सुख दुख, मान और अपमान, धनी और गरीब, ये जो विषमताएं हैं, मनुष्य का आधे से ज्यादा जीवन इनको बराबर करने में जाता है। क्या ये सत्य नहीं है? मतलब हमारे कर्म का उद्देश्य सिर्फ ये रह गया कि मैं अपनी परिस्थिति को सुधार लूं। और मेरा प्रश्न है, परिस्थिति सुधरी? परिस्थिति सुधरी? मानो कि लगता है सुधर गई, लेकिन उस सुधरने का फल ये हुआ कि अपने समय में बड़े धनवान बनने वाले लोग साथ साथ आठ आठ नेता आपके तिहाड़ जेल में हैं, ये परिस्थिति बन गई। बना लो परिस्थिति, वो 10 दिन लगता है, 15 दिन लगता है, 20 दिन लगता है, 2 साल लगता है कि मैंने परिस्थिति बना ली। अरे जिसको आप आतंकवादियों का मसीहा कहते हैं, आप सोचो उसकी मौत कैसे हुई, क्या परिस्थिति सुधार ली? जरा सोच के देखना। मैं 1000 कोशिश करता हूं कि मेरी परिस्थिति सुधरे, और मैं इसीलिए अपने कर्म को इन्वेस्ट कर रहा हूं परिस्थिति सुधारने में। लेकिन आप सोचो किसकी सुधरी? अच्छा बोलूं, राम की सुधर गई थी? राम की सुधरी? अपनी पत्नी का अपहरण हो गया, ये परिस्थिति? पत्नी का वियोग हो गया, ये परिस्थिति है?
पत्नी आती है, लोगों ने आरोप लगा दिया, ये परिस्थिति है। अपने लवकुश पुत्रों से मिल नहीं पाए, ये परिस्थिति है। कृष्ण जैसे ईश्वर का जन्म जेल में होता है, ये परिस्थिति है। जन्म होते ही मां को छोड़ना पड़ता है, ये परिस्थिति है। जिस मां ने जन्म दिया उसको छोड़कर दूसरी के पास आते हैं, उसको भी छोड़ दिया, ये परिस्थिति है। बोले फिर, बोले मनुष्य कर्म इसलिए करता है कि मैं अपनी परिस्थितियों को सुधार लूं, सुधार लो, लेकिन अंतिम रिजल्ट ये आना है। और ये बड़ा अच्छा सबक है, मैं आपसे निवेदन करूं, भक्तों और सामान्य साधकों के मन में बैठ गया कि कोई कितना भी पाप कर ले, मतलब एक आज एक आम व्यक्ति के दिमाग में बैठ, नेता यदि कितना भी पाप कर ले उसको सजा नहीं हो सकती, यही एक वृत्ति बैठी थी दिमाग में, वो कितना भी पाप कर ले उसको कोई सजा नहीं दे सकता। माय डियर, आपके सामने है परिणाम, देखो धीरे धीरे एक एक का नंबर आ रहा है। अब कोई बीमारी का बहाना बनाए, कोई हार्ट अटैक का बहाना बनाए, तो कोई स्टे, लेकिन सभी को जेल में चखना पड़ रहा है। कितने भाई की कोठरी होती हो, बता सकता है कोई? मैं तो गया नहीं हूं तो मैं तो नहीं बता सकता। सोचो आप, 12 by 12 के कमरे में वो व्यक्ति रह रहा है जिसके पास आलीशान महल थे, ये परिस्थिति। बोले फिर महाराज क्या करें? अरे कर्म जैसी चीज को परिस्थिति बनाने में मत लगाओ। बोले फिर, बोले कर्म जैसी चीज को अंतःकरण शुद्धि, बोले तो बड़ा शब्द है, बोले काम कर लो, कर्म के जरिए से भगवान की भक्ति कर लो। देखो जी कितना अंतर हो गया। मैं अब परिस्थिति नहीं सुधारूंगा, परिस्थिति सुदामा की भी ऐसी ही रही है, लेकिन उस परिस्थिति में भी सुदामा ने, बोलो जी, भक्ति की। अरे भीष्म पितामह, उनके सामने कौन सी परिस्थिति अच्छी रही? उन्होंने उस परिस्थिति में भी भक्ति की। हमको लगता है कि घर में सब शांत हो जाएंगे तब मैं ध्यान करूंगा, जब सब लोग मेरा सम्मान करेंगे तो मैं पूजा करूंगा, ये दिन कभी आने वाला नहीं है। मैं परिस्थिति को सुधारने के बजाय अपने कर्म को भगवान की भक्ति में लगा दूं, इससे बढ़िया कर्म का प्रयोग नहीं हो सकता। ये गांठ बांध के रखने वाली चीज। मैं कर्म को ही भक्ति बनाऊं, ध्यान रखना, भक्ति कोई अन्यथा चीज नहीं। रैदास जूता ही सिलते थे और जूता सिलना ही, बोलो जी, भक्ति थी। तो कबीर जुलाहा थे, तो जुलाहे ने उस जुलाहा से ही भक्ति पैदा कर ली। तो मीराबाई पद गाती थी तो उस पद से ही भक्ति पैदा हो गई। बोले आप क्या कहना चाहते हैं? हम और आप जहां पर जो काम कर रहे हैं उस काम को ही भक्ति बना लें। मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं गुरु हूं, मैं शिष्य हूं, मैं व्यवसायी हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं पंडित हूं, मैं जो भी हूं, मेरा जो भी काम है, मैं उस कर्म को परिस्थिति सुधारने के बजाय उसको भक्ति में लगा लूं, ये धर्म का सबसे बढ़िया यूज है। अच्छा जी, अब चले आते हैं अर्थ। हमारे और आपके पास धन हो तो हम धन से क्या चाहेंगे? व्यक्ति धन का प्रयोग विलास के संवर्धन में करता है, देख के ना। और जो जितना धनी है वो उतना ही गरीब है, शाबाश, देखना। अरे वो मन का भिखमंगा है, आपसे निवेदन करूं, वो ऊपर से धनी दिखता है, अंदर से बहुत गरीब है। उस धनी व्यक्ति से पूछना,
बिना गोली खाए नींद आती है? बिना गोली खाए नींद आती है? वो गरीब को बिना गोली खाए नींद आती है। अच्छा जी, अरे उसको भूख पैदा करनी पड़ती है, और पैदा करने के लिए हाँ एपेटाइजर लेता है। गरीब व्यक्ति को किसी एपेटाइजर की जरूरत नहीं है, उसको भूख मिली हुई है। गरीब व्यक्ति रात भर बिस्तर पर है ना करवटें बदलता है एसी चलने के बावजूद, लेकिन गरीब व्यक्ति रात में चैन की नींद सोता है। देखो कौन बड़ा? अरे धनी इतना डरपोक है कि मेरा धन कोई बोलो जी चुरा ना ले जाए। लो जी गरीब बड़ा कौन? अरे जिसके जीवन में डर नहीं है, आह्लाद है, प्रसन्नता है, स्वास्थ्य है। मैं आपसे निवेदन करूं, धन आता है तो वो कॉस्ट मांगता है। प्लीज इस बात को नोट कीजिएगा, जहां भी धन आया है, धन ने ये मांगा है कि उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, और वो लेता क्या है? आपके शरीर का स्वास्थ्य, परिवार का सुख, मन की प्रसन्न, ये हर लेता है। मैं अभी किसी साधु से चर्चा कर रहा था, उन्होंने एक बात निवेदन की, मैं उसको विश्लेषण कर रहा था। बोले धनी व्यक्ति को पुत्र सुख तो हो ही नहीं पाता। लो जी बहुत रेयर हैं, बिरले हैं जिनको भगवान ने ये सुख दिया। आप मिला लेना, और मैं आपसे बोलूं इंदौर के भी जितने बड़े बड़े लोग हैं उनको भी इंक्लूड कर लेना, पुत्र सुख नहीं मिल सकता। यही नहीं, भारतवर्ष का इतिहास रहा, धन आएगा तो आपसे बहुत कुछ मांग लेगा, फिर कहेगा रहो। तो भूख ले ली, नींद ले ली, प्रसन्नता ले ली, स्वास्थ्य ले लिया, परिवार ले लिया, और कहता है अब धन लो करो। आपके मरने पर चार लोग फूंक देते हैं, एक मुख्यमंत्री, एक नेता मरता है तो उसकी हड्डियां भी नहीं मिलती कि बटोर कर कहीं गंगा जल में। बोलो जी यह हाल है, सोचो आप। धन का जो हमाहम और आप जो यूज कर, वो सिर्फ संवर्धन, वो भी संवर्धन किसका? भोग का। लेकिन भागवत कहता है धन का संवर्धन करना है ना तो कर्तव्य के पालन में लगाओ। देखो जी, बोले मतलब धनी हो ना तो एक काम करो, अपने माता पिता के लिए अच्छा सा कमरा बना दो, ये भी तो धन का यूज है। धन है तो तुम विद्यालय में पढ़े, वो विद्यालय तुमने बनाया? बोले वो विद्यालय किसी ने बनाया था, तो तुम्हारे पास धन है तो तुम भी धन से कोई विद्यालय बना दो। तुम हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल तुमने बनाया? बोले नहीं, तो बोले तुम हॉस्पिटल बना दो। यदि धन का सबसे बढ़िया प्रयोग हो सकता है तो मैं आपसे निवेदन करूं कर्तव्य पालन और समाज के लिए धन से बड़ा कोई यूज नहीं है। अरे धनी व्यक्ति ही धर्म का पालन भी कर पाता है। अगर आपसे निवेदन करूं धनी ना होवे तो मैं आपसे व्यासपीठ से झूठ नहीं बोलना चाहता, ये बड़े बड़े आयोजन हम और आप कर सकते हैं। सोच के देखना, हम और आप ये में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जिसके पास धन है वो यदि ऐसे आयोजन करवाता है तो कम से कम उसके धन के कारण बहुत सारे लोगों को क्या मिला? फायदा मिला। बन गया ना जरा भाग। ये मैं आपसे निवेदन नहीं कर रहा हूं, ये मेरी खुद की व्याख्या नहीं, भागवत कहती है धर्म स्वनिष्ठिता पुंसम विश्वक्सेना कथा सुयह। धन का यूज कर्तव्य पालन में होना चाहिए, और एक बात तो ऐसी कर दी, बोले यदि कर्म करने से भगवान की भक्ति न बढ़े तो कर्म मजदूरी है। प्लीज, कर्म करने से भगवान के प्रति प्रेम न बढ़े तो वो कर्म करना
बोलते हैं रति श्रम एव ही केवलम, वो रजो भग जो कर्म है वो मजदूरी है, जो चाहिए था वो तो मिला ही नहीं। देखो मतलब इस कर्म का अंत ये होवे कि मेरी ईश्वर में प्रीति हो जाए, और इस धन का अंत ये होवे कि मैं लोगों के लिए कर्तव्य का पालन करने में थोड़ा एक निमित्त बन सकूं। अच्छा जी, बोले तीसरा, बोले काम, बोले कामना भोग जो है ना, भोग व्यक्ति सिर्फ एक काम के लिए करता है, जीवन चलाने के लिए यही करता है ना। एक काम कर लो, इस कामना से इतने ऊपर उठ जाओ कि तत्व की जिज्ञासा पैदा हो जाए। देखो जी, ये भी तो एक यूज है। मैंने इतनी सुंदर से इच्छाओं को पूरा किया कि अब मेरे मन में ईश्वर को जानने की इच्छा पैदा हो गई, ईश्वर को जानने की कामना पैदा हो गई, तत्व को जानने की कामना पैदा हो गई, तो तत्व को जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई, और इस तत्व को जिज्ञासा जानने के बाद व्यक्ति को क्या मिलता है, बोले मोक्ष। फिर तो वो रम गया। तो देखना, धर्म का सबसे, कर्म का सबसे अच्छा प्रयोग भगवान के भक्ति पैदा हो जाए, धन का सबसे अच्छा यूज कर्तव्य पालन है, काम का कामना सबसे अच्छी होवे कि मेरे मन में जिज्ञासा पैदा हो जाए। और बोलते हैं आपने बोला तत्व, तो बोले तत्व किसको बोलते हैं, बोले तत्व वह है वदंती तत्वविद। देखो जी, तत्ववित लोग कहते हैं कि तत्व क्या है, बोले यत ज्ञानम अद्वयम, जहां ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं रह जाता, जहां ज्ञाता ज्ञेय, दृष्टा और दृश्य, जानने वाला और जानने का भेद नहीं रह जाता, बोले वही तत्व है। देखो जी, बहुत ही सुन, एक ही लाइन बोली है सिर्फ, उसको बोलते हैं तत्व। उसी को प्राप्त करके ही तुम परम सत्यम धीमहि तक पहुंच सकते हो। तो परम सत्यम तक पहुंचने का मार्ग है ये, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अच्छा जी, तीसरे अध्याय में इस प्रथम स्कंद के भगवान ने 22 अवतार बताए हैं। 22 अवतार, अब धीरे धीरे आप उनकी चर्चा सुनेंगे, और वास्तव में तो देखा जाए तो तीसरे अध्याय में पूरी भागवत भी हो गई, भागवत कथा भी हो गई। बोले कैसे, जरा सुने। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान नाशिषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं सत्ययतनं महत तदिं ग्राहयामास सुतं आत्मवतां वरम्। अत्र चाद्यगमं तत्र निविष्ट तस्यनुग्रहान् सोहं वा श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामतिः। बोले सूत जी बोलते हैं, मैंने तुमको 22 अवतार की बात बताई, बोलते हैं ये मैंने कथा अपने मन से नहीं सुनी है। बोले आपको किसने सुनाई। बोले हुआ ये कि शुकदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। बोले शुकदेव जी को किसने सुनाई। बोले शुकदेव जी को वेदव्यास जी ने सुनाई। अच्छा जी, शुकदेव जी के पिता कौन थे, व्यास जी। बोले जब उनको सुनाई तो मैंने भी बैठ के क्या कर लिया था, सुन लिया था। देखो जी, मैंने कहीं और से नहीं सुना, मैंने उसी गुरु परंपरा में बैठकर, इसलिए अहम च अध्यगमम, मैं वहां पर गया और मैं वहां पर बैठा, वक्ता की तरीके से नहीं, श्रोता की तरीके से, यथा अधीतम,
यथामति, फिर मैंने कथा सुनी। अब शौनक जी के मन में आता है कि आपने ये कथा सुनी तो वेदव्यास जी ने कथा क्यों सुनाई? जरा देखना प्रश्न, वेदव्यास जी को भागवत की क्या जरूरत पड़ गई? देखो, ब्रह्मसूत्र की भी रचना किसने की? वेदव्यास जी ने। उपनिषदों में भी योगदान किसका रहा? वेदव्यास जी का। भगवत गीता को भी किसने लिखा? वेदव्यास। तो वेदव्यास जी को इतना पढ़ने के बावजूद ये भागवत की आवश्यकता कहां से हो गई? बोले सुनो, मैं तुमको एक कथा सुनाता हूं। कौन कह रहे हैं? सूत जी शौनक जी से कि वेदव्यास जी ने भागवत की कथा क्यों सुनाई और भागवत उनके पास कहां से आई? बोलते हैं जैसे नारद जी बद्री वन में जा रहे थे, ऐसे ही वेदव्यास जी भी बड़े दुखी होकर बद्री वन में टहल रहे थे। भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम ये नमासौ न तुष्येत मन्ने तद्दर्शनम खिलम। बोलते हो उनके, ध्यान रखना, वेदव्यास जी अज्ञानी नहीं थे, उनको कुछ स्वयं का दुख नहीं था। कई बार लोग बोलते हैं कि व्यास जी तो दुखी इसलिए नहीं हो गए स्वयं से, दुखी इसलिए हो गए मैंने इतनी रचना की लेकिन जगत को जो चीज चाहिए थी वो चीज जगत में मिली नहीं, मेरी रचनाओं में कोई त्रुटि रह गई है, अभी मुझे जो करना चाहिए था वो जगत में मुझे दिखता नहीं है। वेदव्यास जी इस बात से खिन्न थे कि मैं और क्या करूं जिसके कारण इस जगत में लोग प्रसन्न हुए। और जब ये बात नारद जी ने सुनी, देखो जी, खुद नारद जी पुत्र हैं किसके? भगवान के, और खुद शिष्य भाव में भी आए, लेकिन आज नारद जी बोलते हैं व्यास जी आपने बहुत बड़ा काम किया है लेकिन आपने एक कमी कर दी है। बोले क्या कमी कर दी है? बोले आपने कर्म के बारे में बहुत लिखा, ज्ञान के बारे में भी बहुत बोला, विद्वानों के लिए तो आपने बहुत कुछ बोला लेकिन भगवान के गुणों के बारे में आपने बहुत ज्यादा गाया नहीं है। देखो जी, भक्ति के बारे में नहीं बोला, ब्रह्मसूत्र की रचना कर दी, गीता की रचना कर दी, उपनिषदों में संकलन में सहयोग दिया लेकिन आपके मुख से भक्ति की बात मैंने सुनी नहीं। मुझे लगता है आपको भक्ति का कुछ ग्रंथ लिखना चाहिए। वेदव्यास जी को बोलते हैं समाधिनुस्मरत चेष्टितम अथो महाभाग भवान मोगद्रक शुचि श्रवा सत्य रतो द्रता व्रत उत्तम अखिल बंद मुक्त ये समाधि। और उस समय वेद व्यास जी सब कुछ छोड़कर, आपने देखा होगा बद्री नारायण में सरस्वती नदी बह रही है, नर नारायण नाम के दो पर्वत हैं, उन्होंने अंजलि लेके कुछ मन को शुद्ध किया और ध्यान मग्न हो गए बद्रीनाथ में। और जब ध्यान मग्न हो गए तो उनको वहां पर भगवान के क्या हुए? दर्शन हुए। और तब उनको समझ में आया कि मैंने भगवान के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं। नारद जी कहते हैं वेदव्यास जी मैं आपको एक बात बताऊं, नारद जी मैं आपको अपना इतिहास सुनाता हूं, आप सुनो भगवान की कितनी कृपा है। वेदव्यास जी कहते हैं क्या कृपा है? नारद जी कहते हैं मैं एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी में गाना गाता था सबसे पहले, इसको आप बोलते ना ये जो एक गंधर्व की श्रेणी होती ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा पार्टी, सिर्फ गंधर्वों का काम गाना नाचना यही है। तो बोले एक दिन सत्संग में मुझे बुलाया गया और सत्संग में कहा गया कि आप भजन गाओ, मैंने भजन गाया लेकिन मेरी आदत तो कुछ
और गाने की थी। एक दो भजन गाने के बाद मैंने कुछ और गाना चालू कर दिया और जब कुछ और गाया तो ऋषि मुरी नाराज हो गए। देखो जी, ये भी सत्संग की महिमा। और आजकल सत्संग ऐसा ही हो गया है, मतलब भागवत मतलब ही यही है कि जितना गाना गा के उधम नाच किया जाए उतनी भागवत सफल है। और आपसे बताऊं, नाचने वाला भी बड़ा चालाक, यहां तो नहीं है, गनीमत है। नाचने वाला वो तभी नाचता है जब कैमरा उसके सामने होता है। जैसे ही वो कैमरा भी बदलता है ना, वो नाचने वाला अपना नाच भी छोड़ देता है। बोले मैंने भी ऐसे ही कुछ गाना गा दिया, ऋषि मुरी तो नाराज हो गए, उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा जन्म एक नीच परिवार में होएगा। नारद जी बोलते हैं मेरा जन्म एक दासी के घर पर हुआ। अब मेरी माँ जो थी वो संतों का बड़ा सेवा करती थी, तो मैं छोटा था, मैं अपनी माँ के साथ रहता था, और इसी में भूल वशात मैं, संत लोग चातुर्मास करने आते थे, संत सत्संग करने आते थे, मेरी माँ सेवा करने जाती थी, मैं भी जाता था, तो मैं संतों का जूठन खाने लगा। देखो जी, मैं संतों के संग में हो गया। देखो जी, ये संग का प्रभाव है। और मुझे भी पता नहीं लगा कि मेरे जीवन में वो चीजें धीरे धीरे आने लगी जो संतों के जीवन में थी। अब मुझे ये लगने लगा कि मैं सन्यासी बन जाऊं, लेकिन मैं सन्यासी कैसे बनूं, मेरी तो माँ थी और मैं माँ का एक ही पुत्र था, तो मैं सन्यास नहीं ग्रहण कर सकता था। और लगता है भगवान ने मेरी बात सुन ली। एक दिन एक सर्प ने मेरी माँ को डस लिया। जैसे ही मेरी माँ का देह संस्कार किया, मेरे मन में तो प्रसन्नता आई कि मेरे जो बंधन थे वो भी क्या हो गए, छूट गए। और बोले मैं तो संतों के टोली में चलने लगा, और मैंने इतना सत्संग किया, इतना सत्संग किया कि मैं नारद बन गया। देखो जी, नारद जी कहते हैं मैं इतना सत्संग करता था तो एक बार मुझे ध्यान में एवं यतंतम विजने महामोह गोचरो गिराम गंभीर लक्षणा वाचा शुच प्रशमय निवा अंतम मंजिम मनि भवान माम दृष्टु मिराहति अभिपक्क कषायाणाम दुर्दशोयम कुयोगिनाम। बोलते हैं मैंने प्रार्थना की, भगवान मुझे दर्शन दे दो। और मुझे भगवान ने दर्शन भी दिए, लेकिन एक झलक देकर भाग गए। एक बार उन्होंने अपनी झलक दिखाई और मैं उस झलक पाने के लिए पूरा जीवन सत्संग करने लगा। देखो जी, भगवान ने झलक क्यों दी, बोले अब तुम सत्संग के और दीवाने हो जाओ। जैसे कोई बच्चा पढ़ने चलता है तो आप उसको क्या बोल देते हैं, एक टॉफी दे देते हैं। भगवान ने एक झलक दिखा दी और झलक हटा के तुरंत हटा ली। नारद जी बोलते मैं रो रो के कहने लगा मुझे भगवान दर्शन दो। भगवान ने आकाशवाणी की, थोड़ा और तपस्या करो, थोड़ी और साधना करो, तब मेरे जाकर तुमको दर्शन होंगे। अंतर बहिश्चलोकान त्रीन परयेन स्कंदिव्रतः अनुग्रहान महाविष्णु रवि घातक तीक्ष्ण। बोले एक सहस्र चतुर्युग बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तो मैं भी भगवान के दर्शन करने के बाद, देखो जी इसका मतलब इनको भी भगवान के क्या हो गए, दर्शन हो गए, उनके पुत्र के रूप में मैं भी जन्म ले लिया। देखो जी, इसीलिए नारद जी को ब्रह्मा का क्या बोलते हैं, मानस पुत्र। कहां एक दासी पुत्र और कहां ब्रह्मा जी का, मतलब साधो कर्मन की गति बड़ी न्यारी।
एक दासी पुत्र ब्रह्मा जी का पुत्र बन सकता है। देखो आप, हम और आप भी यदि कर्म ठीक करें तो हम और आप दासी पुत्र से तो ठीक ही हैं। हम भी क्या नहीं बन सकते। नारद जी बोलते हैं ये सिर्फ सत्संग का प्रभाव था जिसके कारण मैं यहां तक पहुंचा। अच्छा जी, अब सप्तम अध्याय में प्रवेश करते हैं। स संगीतां भागवतीं कृत्वा उत्क्रम्य चात्मजं शुकम् अध्यापयामास निवृति निवृति निरतम मुनि। अब आपने सुना होगा कि जो शुकदेव जी थे ये तो महाविरक्त थे। ये तो पैदा होते ही मां के गर्भ से जैसे बड़े हुए और भगे नग्न रहते थे, वेदव्यास जी के कहने पर भी नहीं आते थे। वेदव्यास जी को था कि मैं इनको कैसे पढ़ाऊं, और ये कहते थे मैं तो विरक्त हूं, मुझे पढ़ने की क्या आवश्यकता। तो वेदव्यास जी ने कुछ शिष्यों को अपने श्लोक ना भागवत के सिखा दिए, तो कैसे चालाकी की। अब वो शिष्य पूरी सृष्टि में फैल गए। जब वो कुछ दो तीन श्लोक बोले तो सुखदेव जैसा विरक्त व्यक्ति पूछता है ये श्लोक तुमने कहां से बोला। बोले ये तो मैंने एक और दो बोला है, जिसने मुझे सिखाया है उसके पास तो ये श्लोकों का अंबार है। सुखदेव जी बोलते हैं वो कौन है। बोले वो आपके पिताजी हैं। अगर आपको ये सीखना है तो आपको अपने पिताजी के पास क्या करना पड़ेगा, जाना। क्योंकि सुखदेव जी अपने पिताजी के पास नहीं आते थे, और सुखदेव जी भी किसके पास गए, अपने पिताजी के पास गए। और सुखदेव जी को भी जो भागवत का ज्ञान दिया वो किसने दिया, वेदव्यास जी ने दिया। इस भागवत की जो महिमा कही गई, बोलते हैं कई बार लोग सोचते हैं भागवत सिर्फ भक्ति का ग्रंथ है। सुखदेव जैसा विरक्त आत्मा रामश्च मुनयो, आत्मा राम जो आत्म रमण करते हैं, बोले वो लोग भी निर्गंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ते हेतु किं भक्तिम उत्थ भूत गुणो हरि। जो ज्ञानी लोग हैं वो ज्ञानी लोग भी इसी में ही रमण करते हैं। बोलते हैं ऐसी श्रीमद् महाभागवत परमहंस संहिता है कि ज्ञानी सुखदेव जैसे लोग भी इस भागवत के श्लोकों में रमण करते हैं। अब यहां से सत्संग को थोड़ा मोड़ते हैं। सुखदेव जी, सूत जी बोलते हैं महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा, आपने नाम सुना हो द्रोणाचार्य का पुत्र, उसने गर्भ में इतने सारे और शिशुओं को मारा, और इसके कारण जो पांडव थे वह बहुत नाराज हो गए। और बोलते हैं अर्जुन तो अश्वत्थामा को पकड़ के ले आया, उनकी जटा पकड़ के ले आया, लेकिन उस समय द्रौपदी बोलती उवाच। द्रौपदी देखो कैसे बोल, इसीलिए द्रौपदी को भागवत कहा गया। मुच्यताम मुच्यताम एष ब्रह्मणो हो, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, महापाप है। ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, तुम इसको बाल पकड़ के ला रहे हो। अर्जुन कहता है इसने मेरे पुत्रों का वध किया है, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। द्रौपदी कहती ये शोभा नहीं देता, मुच्य मुच्य छोड़ो छोड़ो। लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं देखो मैं, देखो कृष्ण कैसे विकल्प देते हैं। मैंने तो बोले दो आज्ञा दी हैं, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए। देखो ब्राह्मण कितना भी गिर जाए लेकिन आपको उसकी हत्या करने का अधिकार नहीं है। अच्छा दूसरा भगवान बोलते हैं मैंने ये भी कहा है कि आतताई को जरूर मारना चाहिए। अब आप बताओ अश्वत्थामा क्या क्या किया जाए अश्वत्थामा के साथ। आतताई को मारना भी चाहिए, एक तरफ गुरु पुत्र भी है। भगवान कृष्ण तो मौन हो गए।
अर्जुन को समझ में आया कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। बोलते हैं ब्राह्मण का अपमान यही है कि उसका सिर मुंडवा दिया जाए, एक विद्वान के लिए क्या है यही बहुत बड़ी बेइज्जती है, उसको कुछ अपशब्द बोल दिए जाए, सभा में अपमान कर दिया जाए। अर्जुन ने सोचा मैं यही ही रास्ता अपनाता हूं। उन्होंने उसका मुंडन कराकर उसकी चोटियां बांधकर रोड पर उसको ना सड़क पर सबके सामने ले गए। बोलते हैं इससे ये समझना चाहिए कि ब्राह्मण को तुमने क्या कर दिया, मार ही दिया, ये बेइज्जती करना ही क्या है, उसको मारना है। ये कथा तब तक चली रही थी, विपदा संतु न शश्वत तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्मात् पुनः दर्शन भवनम त्वयि मेन्य विषया मतिर्मधुरपते सकृत रतिम त्वा ददा गंगी बोध मुदन्वती अहो मे पश्यता ज्ञानम हृदि रूढ़ दुरात्मनः आरक्ष्यसैव देहस्य वहियो मे अक्षणी हताः। अब बोलते हैं यहां एक दूसरा ही दृश्य पैदा किया भगवान ने। सच्चाई तो ये थी कि भगवान भीष्म पितामह के पास जाना चाहते थे, लेकिन जाएं कैसे, कोई जाने का निमित्त भी तो होना चाहिए, क्योंकि पूरा युद्ध समाप्त हो गया, भीष्म पितामह शरसैया पर पड़े हैं। तो बोलते हैं इनको जाने के लिए भगवान ने चालाकी से युधिष्ठिर को युद्ध के बाद मोहित कर दिया। देखो जी, युधिष्ठिर युद्ध के बाद कहते हैं भगवान मैंने युद्ध ठीक किया कि नहीं किया, लो जी पूरा युद्ध हो गया, जीत भी हासिल हो गई, मैंने धर्म का पालन किया कि अधर्म का। बोले इस धर्म अधर्म का निश्चय करने वाले इस सृष्टि पर एक ही प्राणी है, वो कौन है, भीष्म। क्यों ना हम सब किसके पास चलें? देखो भगवान को तो तारना था, और तारने के लिए कोई क्या चाहिए था, बहाना। तो युधिष्ठिर का बहाना लेकर भगवान किसके पास आए, भी अब आम आदमी की मृत्यु हो तो आपको पता है उसके आसपास कितने लोग रहते हैं। यदि उसने अपनी रजिस्ट्री अपनी वसीयत नाम पर कर दी हो उसके आसपास कोई नहीं रहता। आपको बताऊं अभी आपके देश का एक ऐसा मंत्री मरा और उसके पास उसका कोई रिश्तेदार नहीं था नर्स के सिवाय। देखो ये हालत है। भीष्म पितामह पड़े यहां अकेले नहीं है भीष्म पितामह, क्या बोलते हैं, तरत ब्रह्मर्षयः सर्वे, अरे जितने ब्रह्मर्षि हैं वो सब भीष्म पितामह को घेर के बैठे हैं। देवर्षयः, जितने देवर्षि लोग हैं वो भीष्म पितामह के पास हैं। देवर्षि नहीं, ब्रह्मर्षि नहीं, राजर्षि, सब राजर्षि भीष्म पितामह के पास। पर्वतो नारदौ, जितने पर्वत हैं जितने देवी देवता सब भीष्म पितामह के सामने बैठे हैं। वशिष्ठ इंद्र ये सब भीष्म पितामह के पास आसपास बैठे हैं। और भगवान आते हैं किसके पास, भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह कहते हैं कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम हृदिस्तम पूजयामास माययोपात विग्रहम। देखो ये भीष्म का ज्ञान है, बोले मैं अंदर प्रणाम कर रहा हूं, बाहर तो आप क्या बन के बैठे, माया माया का रूप धारण करके आए हैं। देखो जी भीष्म पितामह का ज्ञान शरसैया पर भी जीवित है, हमारा और आपका ज्ञान सोच के देखना आप, यदि शरीर में जरा सा कुछ हो जावे तो हमारा आपका ज्ञान का क्या हाल है। भीष्म पितामह शरसैया पर पड़े हैं और वो क्या कहते हैं, जो अंदर है वही बाहर है, जो अंदर विग्रह बैठा है वही माया का रूप धारण करके बाहर बैठा है,
हे भगवान सत्य परम धीमही, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और बोलते हैं, मुझे एक बात का बड़ा अफसोस है। देखो जी, भीष्म पितामह की एक एक ये क्या बोल सकते हैं, कष्ट रह गया। क्या बोलते हैं, मुझे पांडवों के साथ बड़ा अफसोस लगता है कि पांडवों ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैं भी था, कृष्ण भी थे जी, बात नहीं, जीवन में चरित्र भी रहा, लेकिन इसके बाद भी इनको जितना झेलना पड़ा, मुझे लगता है ये इनके साथ सही नहीं हुआ। भगवान ने बोला, ये इशारा मेरी ओर कर रहे हैं, मैं भी तो इन्हीं की ओर था। ये भीष्म पितामह की टीस है, जो इन लोगों ने झेला वो ये झेलने लायक नहीं थे, इनको ये नहीं मिलना चाहिए था। भगवान ये सब बात सुन रहे थे, भीष्म पितामह ने उत्तर खुद ही दे दिया, अहो कष्टम, बहुत कष्ट सहा धर्मनंदनाह, ये काल कुछ ऐसा ही है, सर्वम कालम ऋतम मन्ने, ये काल ऐसा है कि सभी को क्या देता है ये भगवान को भी नहीं पता होता। देखो इतना बड़ा काल है। अच्छा जी, अब भीष्म पितामह प्रार्थना करते हैं, बोले भगवान अब अंतिम समय आ गया। बोलते हैं भगवान, जैसे व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह करता है तो अपनी पुत्री को सजाता है ना, स्नान कराता है और किसी को क्या करता है, दे देता है, इसको बोलते हैं कन्यादान। भीष्म पितामह बोल रहे, मैं भी आज कन्यादान करने जा रहा हूं। बोले क्या कन्यादान करने जा रहे हैं? बोले मैं अपनी सजी सवारी हुई मति को आपके चरणों में क्या कर रहा हूं, अर्पित कर रहा हूं, क्योंकि मैं अब देह को त्याग रहा हूं और मेरे मन में तृष्णा नाम की चीज नहीं रह गई। भगवान देखो ऐसी मृत्यु होनी चाहिए। इति मति रूपक, ये जो मेरी मति है, बोले वितृष्णा, इसमें रंच मात्र की भी तृष्णा नहीं रह गई। भगवती सास्वती पुंगवे विभ्रमी, भगवान मैं आपको इसके सामने रख रहा हूं, मेरी इस बुद्धि को आप क्या कीजिए, स्वीकार कीजिए। बोले आप बहुत बड़े छलिया हैं और सबको छलने का आपने एक रास्ता बना रखा है, वो रास्ता क्या है? बोले आपका सुंदर रूप। बोले मैं आपको जीतने नहीं देता, लेकिन आपने चालाकी की, इतने सुंदर रूप बनाकर आप कहां बैठते थे, रथ के आगे, और आपको देखते ही हमारे जितने योद्धा थे उनकी सबकी आयु तो पहले ही क्षीण हो गई। देखो जी, जानबूझ के आप इतने सुंदर थे, सवरते थे, उस सुंदरता के कारण मेरे जितने योद्धा थे विजय सखे, मेरे जितने योद्धा थे वो सबके सब तो आपको देखकर ही मोहित हो गए, सबकी आयु तो आपने पहले ही ले ली। सपदी सखी वचो निशम्य हतवती पार्थ सखे, तो आप कैसे युद्ध नहीं जीतते? भगवान मैं आपको अपनी मति क्या करता हूँ, देता हूँ। और यहाँ पर भीष्म पितामह ने अपने शरीर का क्या कर दिया, मन और वाणी को एक जगह संयम में करके चुपचाप भीष्म पितामह भगवान के रूप का पान करते हुए हाथ जोड़कर चुप हो गए, चुप, तूष्णी भाव। भागवत में लिखा गया, ऐसे शांति छा गई जैसे संझा होने पर जो पक्षियों की कुलकुलाहट है, चुलबुलाहट है, वो चंद्रमा निकलने पर क्या हो जाती है, सब शांत। आपने देखा है तार पर सब पक्षी बैठे रहते हैं लेकिन बोलते नहीं है, चुप, वही पक्षी सुबह होने पर किलकिलाने लगते हैं। बोले ऐसा माहौल एकदम शांत हो गया और देखते देखते भीष्म पितामह ने अपने शरीर का क्या कर दिया, त्याग किया। अब भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि मैं द्वारिका नहीं गया हूं, तो वो जाते हैं द्वारिका। बड़े दिन हो गया था, महाभारत का युद्ध भी खत्म हो गया, अब बोलते हैं मैं द्वारिका जाता हूं। द्वारिका गए,
तथा सर्वगुणोदके सानुकूले ग्रहोदये जग्गे वंशधर पांडो भूय पांडुरिवोजस। और इधर भगवान इधर पधारे और इधर बोलते हैं उत्तरा के गर्भ से परीक्षित जी का क्या हो गया, जन्म हो गया। बोलिए परीक्षित भगवान की, बोले सब जो समय था वो अनुकूल हुआ, सानुकूले ग्रहोदय, और उस समय परीक्षित भगवान आए। और बोलते हैं उनकी गर्भ में भगवान ने रक्षा की थी, इसलिए वो ये खोजने लगे पैदा होते ही कि मेरी रक्षा किसने की है। देखो जी, ईक्षण मतलब देखना, तो जो ये खोजता रहा, ईक्षण करता रहा कि मेरी रक्षा किसने की, इसलिए उसका क्या नाम पड़ गया, परीक्षित। तो भगवान परीक्षित का जन्म हुआ। और अब अर्जुन आता है और अर्जुन की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। अर्जुन इधर द्वारिका गया एक बार, फिर लौट आया और इधर महाराज युधिष्ठिर को अपशगुन होने लगे, सब काम बिगड़ने लगा। वो कुछ बुलाकर कहते हैं ये क्या हो रहा है, और उसी समय बोलते हैं द्वारिका से लौट कर आ गया कौन, अर्जुन। और अर्जुन ने आज जैसे प्रणाम किया, युधिष्ठिर बोलते हैं ऐसा प्रणाम तो तुमने कभी नहीं किया, आज तुम्हारे मुख का तेज कहां चला गया, तुम्हारा जो मुखमंडल है वो तो बुझा हुआ सा है, तुम्हारी बाहू में जो तेज था वो तो दिख ही नहीं रहा है। और अर्जुन कहता है मुझे तो ठग लिया, मुझे तो ठग लिया। युधिष्ठिर ने पूछा किसने ठग लिया, वंचितो हम महाराज, हे महाराज मुझे ठग लिया किसने, बोले श्री कृष्ण ने ठग लिया। क्या कर लिया, बोले कृष्ण ने बिना बताए इस लोक से क्या कर गए, वो सिधार गए। अब मैं क्या करूं, वंचितो यम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येनमपहृतं तेजं देव विस्मापनं महत। बोले मैं याद कर रहा हूं किसने मुझे शक्ति दी कि मैं द्रौपदी को लेके आ पाया, मेरे में शक्ति थी क्या, खांडव वन में जंगल में आग लग, खांडव वन में इंद्र मेरे विरोध में आ गया, इसके बाद भी मैंने वन को जलाया, किसके कर बल पर, बोले भगवान के बल पर। भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया किसके बल पर, कृष्ण के बल पर। बोले यही नहीं, देखो बड़ा सुंदर ये विवरण आया है, भगवान मुझे हे पार्थ कहते थे, आज मुझे हे पार्थ कहने वाला छोड़कर चला गया, मुझे हे अर्जुन कहते थे वो कहकर करने वाला छोड़ के चला गया, हे गुरु नंदन कहने वाला वो भी मुझे छोड़ के चला गया। स्मृतु लुंठन्ति हृदयम्, मेरा हृदय पागल हो रहा है, मैं किसके बल पर जीऊं। देखो जी, मैं भगवान के साथ क्या क्या नहीं करता था, शैया भगवान के साथ सोता था, भगवान के साथ खाना खाता था, भगवान के साथ है ना रात्रि भ्रमण पर जाता था, भगवान के साथ मैं मजाक करता था, जब भगवान झूठ बोल के आते थे तो मैं उनसे नाटक में कहता था आओ सत्य की मूर्ति, भगवान मुस्कुराते रहते थे, मैं उनको ना कुछ सुनाता रहता था, आज मैं किसको सुनाऊं, उन्हीं के बल पर उनकी रानियों को मैं लेने गया, मुझे गांडीव पर अपने अभिमान था, और एक डाकू एक भील ने आकर सब रानियों का अपहरण कर लिया, मेरे गांडीव में शक्ति नहीं बची कि मैं बचा पाऊं, मेरा सख्य मेरा प्रिय यहां से चला गया, मैं क्या करूं। और बोलते हैं अर्जुन के मन में इतना आंसू आया है, और उसी समय बोलते हैं गीतम भगवता ज्ञानम, अर्जुन को जो भगवान ने गीता सुनाई थी महाभारत में
बोलते वो उसके सामने आ गई भगवत गीता। और वेदम व्यास जी लिखते हैं अर्जुन ने सूक्ष्म शरीर का तो त्याग ही कर दिया, जो अज्ञान की पोटली थी वो अर्जुन की तो वास्तव में उसी दिन गल गई जिस दिन अर्जुन ने ये रुदन किया। विशोको ब्रह्म संपत्या संचिन्न द्वैत संशय, द्वैत का संशय हो गया, जो जीवन में मेरे द्वैत था वो खत्म हो गया। और बोलते हैं अर्जुन को भी तो वास्तव में इसी दिन क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। और इसके बाद बोलते हैं जब भगवान की यह समाचार मिला तो बोलते हैं सभी लोग स्वराट पौत्रम विनमयः सुसमम गुणैः तोहि निव्यापतिम, तो विदुर जी भी चले गए। और बोलते हैं विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया तो धृतराष्ट्र जी ने भी योगाग्नि के बल से अपने प्राण त्याग दिए। तो धृतराष्ट्र ने भी प्राण त्याग दिए, विदुर ने भी अपने प्राण त्याग दिए। ये जब पांचों जाने लगे तो द्रौपदी को लगा कि मेरे जीवन जीने का भी अब कोई महत्व नहीं है, तो द्रौपदी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। और ये सब भागवत मैंने इसलिए आपको गिनाया, ये इन सब भागवतों ने अपने अपने प्राण क्या कर दिए, उत्तराने भी कर दिया कि अब जीवन जीने से क्या फायदा, जिसके लिए मैं जीवित था, जो मेरा प्रेमी था वो प्रेमी तो चला गया, अब मैं जीकर क्या करूं। बोलते हैं सभी ने अपने अपने क्या कर दिए, द्रौपदी ने भी अपने आखिरी समय में प्राण को क्या कर दिया, त्याग दिया। विदुरोपि परित्यज्य, विदुर ने भी प्राण त्याग दिया। और अब इस प्रथम स्कंद के आखिरी में परीक्षित जी का प्रसंग आता है और इस परीक्षित जी को श्राप मिलने के बाद द्वितीय स्कंद में हम और आप संध्या को प्रवेश करें। आइए 2 मिनट भगवान संकीर्तन करके आरती करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे
Purnamidam